नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आज रुक पॉन एंडिंग लेके आया हूँ। वाइट के पास रुक है और ब्लैक के पास दो पॉन है और दोनों पॉन क्वीन बनने के कगार पर। तो क्या आप वीडियो को पॉज करके देखिए और थोड़ा देर सोचिए कि क्या ये क्वीन बन जाएगा, क्या वाइट हार जाएगा, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, क्या हो सकता है। मुझे लगता है कि आप कुछ ना कुछ निर्णय पे तो पहुंच ही गए होंगे। ये मैच ड्रॉ होगा। आप लोगों को सुन के लग रहा होगा, आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये मैच ड्रॉ होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपरली नहीं चलेंगे, प्रॉपरली नहीं खेलेंगे, तो आप कोई भी मैच कभी भी हार सकते हैं। और ये हर चीज़, हर वक्त ये सिचुएशन पे पड़ता है। हालांकि राजा दूर है और यहाँ अगर ब्लैक टू प्ले रहता तो आप सिंपली हार जाते, लेकिन यहाँ पे वाइट टू प्ले हैं तो जीत ड्रॉ करने का आसार हमारे पास है। देखिए रुक B3 चलते हैं तो वह अब अगर किंग C2 आता है तो क्या करना है हमको, उसको फिर से चेक देना है। तो यहाँ दो रास्ता है, या तो फिर यह वो किंग D1 जाएगा या वो किंग B1 जाएगा। B1 जाएगा तो हम B3 चल जाएंगे, अगर D1 गया तो हम D3 चलेगा, फिर वो किंग E1 गया तो फिर हम रुक E3 के चेक दिए, फिर किंग जब F2 गया तो हम देख लिए कि किंग पॉन से बहुत दूर हो गया है तो हम B3 से उसको पकड़ लिए, फिर वो किंग E2 आया तो हम यहाँ किंग C3 किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉन आगे बढ़ता है तो चेक पड़ जाता है, ये पॉन अगर इस जगह पर पड़ता है तो ये यहाँ ये रुक से इसको यहाँ पे चेक मार देंगे और फिर उसके बाद वो पॉन भी मर जाएगा डिफेंड होने के बाद। किंग को जब डिफेंड करेगा तो मर जाएगा, तो वो सोच रहा है कि यहाँ पे किंग D1 रख के हम सपोर्ट करके क्वीन बना लेंगे और वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, रुक सक्रीफाइस कर देना है, अपना रुक इनटू B2 कर देना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम हार सकते हैं। क्यों? क्योंकि डायगोनली तो रुक मारता नहीं है और पॉन जो है, पॉन अगर 6th रैंक और 7th रैंक पे पहुंच गया है तो वो पॉन बहुत डेंजर है, वो भी कनेक्टिंग पॉन। ये कनेक्टिंग पॉन डबल पॉन कनेक्टिंग पॉन था जिसके कारण वो बहुत खतरनाक था। अगर हम एक मूव गलत देते तो हम हार सकते थे। देखिए लेकिन अगर आप इस तरह खेलेंगे तो आप डेफिनेटली ये हरी हुई बाजी को भी ड्रॉ करवा के आप अपना खेल को बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। विक्रम कुमार।